उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ होली के पर्व के अवसर पर महानगरवासियों के साथ जमकर होली खेली। इससे पहले मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने होलिका दहन स्थल पर पहुंचकर संबत स्थल पर पूजा अर्चना किया। इसके बाद सीएम योगी ने मंदिर में स्थापित सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना किया और संबत की राख उड़ाकर होली की शुरुआत की। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सनातन धर्म के पारंपरिक त्यौहार होली सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए और सभी की जिंदगी रंग बिरंगी होली की तरह रंगीन रहे, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही हम सभी का कामना है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पीछे हो चलो, पीछे आप लोग हटो, पीछे हो जाओ। होली की मंगल में शुभकामनाएं। आपसी सद्भाव और सौहार्द का प्रतीक होली सबके जीवन में खुशहाली लाए, यह पर्व और त्यौहार का मुख्य उद्देश्य है। भारत के अंदर पर्व और त्योहारों की एक लंबी परंपरा है। उन परंपराओं में हमेशा हमें अच्छाई के लिए, सत्य और न्याय के लिए लड़ने की प्रेरणा प्रदान की है। होली हो या दीपावली, शिवरात्रि हो, रामनवमी या जन्माष्टमी, विजयादशमी हो या फिर नागपंचमी, इन सब पर्वों ने सदैव हमें अच्छे मार्ग पर धर्म, सत्य और न्याय के पथ का अनुसरण करने की प्रेरणा प्रदान की है। स्वाभाविक रूप से हम सब ने अच्छे कार्य को सदैव धर्म के साथ जोड़ करके आम जन के जीवन में उसे मंगलकारी बनाने के उद्देश्य से पर्व और त्योहारों के रूप में उन्हें आगे बढ़ाया है। होली का पर्व ऐसे समय में पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है जब ये देश एक और सुख और समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है, तो दूसरी तरफ भारत ने अपनी सामरिक ताकत का एहसास करा करके देश के दुश्मनों को भी जो जवाब दिया है, स्वाभाविक रूप से ये होली इस दृष्टि से पूरे देश के लिए अत्यंत ही मंगलकारी है, शुभकारी है। होली के इस अवसर पर मैं उन सभी अपने बहादुर जवानों को जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी आत्माहुति दी है, अपना बलिदान दिया है, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवारजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन यह सौभाग्य हर एक को नहीं मिलता कि अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे सके। स्वाभाविक रूप से जिन्हें भी, जिन बहादुर जवानों ने को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वे मातृभूमि के लिए कुछ कर सकें, उनका जन्म और जीवन दोनों धन्य हुआ है। उन सबको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। प्रदेश के अपने सभी नागरिकों को होली के इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से, आपसी सद्भाव और सौहार्द का पर्व होली है।
अपने मतभेदों से ऊपर उठना पड़ेगा, उन संकीर्णताओं से ऊपर उठना पड़ेगा जो हमारे विकास में बाधक है, चाहे वह जाति के नाम पर या किसी अन्य वाद के आधार पर। समाज को विभाजित करने वाली वे ताकतें अंततः देश को कमजोर कर रही हैं, उनके प्रति हमें सचेत होना पड़ेगा। होली का यह संदेश हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। होली का यह कार्यक्रम आम जन सौहार्दपूर्ण तरीके से, सद्भावपूर्ण तरीके से, आपसी मतभेदों को भुला करके इस पर्व और त्यौहार को मना सकें, यह मेरी कामना है। होली की पूरे प्रदेशवासियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।